अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर को स्टडी करने जा रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर की जेनेरिक और बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में भी और अगले चंद सेशन में भी लेकिन इसको अपने तौर के ऊपर आपने मास्टर करना है क्योंकि सॉफ्टवेयर को आई कैन गेस एंड आई कैन फॉर सी कि यू विल बी यूजिंग इट अ लॉट मैं अपने तमाम ऑनलाइन बिजनेस uh, टेक वेबसाइट्स को इस सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करवा रहा हूँ और इसको रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू क्रिएट ऑनलाइन स्टोर्स एज वेल एज वेबसाइट्स इन ब्लॉग्स टू तो आइए चलते हैं विक्स डॉट कॉम के ऊपर और देखते हैं इस सेशन में कि जेनेरिकली अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है इवन दो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस लेकिन हम में से उन भाइयों और बहनों के लिए कि जिनके लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आइए देखते हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है सबसे तो पहले गूगल में आप टाइप कीजिए विक्स डॉट कॉम और उसको सर्च करें और सर्च करने के साथ आपको टॉप पे ही आ, उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा यू क्लिक ऑन दी वेबसाइट लिंक और जब आप वेबसाइट के मेन पेज पर पहुँचें तो अगर आपके पास अकाउंट है तो यू क्लिक ऑन साइन इन बटन अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन दिस गेट स्टार्टेड बटन आल्सो जब आप गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक तो ऑप्शन आ रही है कि यू कैन यूज़ योर ई एड्रेस एंड पासवर्ड इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लॉग इन थ्रू अ फेसबुक एज वेल एज गूगल अकाउंट अक्सर वेबसाइट जो है वो अब आपको डायरेक्ट फेसबुक के थ्रू लॉग इन करने की ऑप्शन देती हैं और वो झंझट हुआ करता था कि आप अपना नाम लिखें और ईमेल एड्रेस लिखें और पासवर्ड लिखें वो तमाम चीज़ें जो है वो अब ओवरकम हो गई हैं बाय जस्ट वन क्लिक वंस यू क्लिक ऑन दिस कनेक्ट थ्रू फेसबुक तो मैं इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है उसी के थ्रू विक्स डॉट कॉम में लॉग इन करूँगा और लॉग इन करने के बाद आपको जेनेरिक अकाउंट सेटिंग्स बताऊँगा कि वो कहाँ पाई जाती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ ऐसी है जो आपने चेंज करनी है कॉन्टीन्यू विध फेसबुक के बटन पर क्लिक करें और अगर आपने अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ऑलरेडी फेसबुक को लॉगिन किया हुआ है तो आपसे वो दोबारा कोई इन्फॉमेसन नहीं मांगेगा और आपको मेन पेज जो विक्स का है उसके ऊपर लैंड कर देगा लेकिन अगर आपका फेसबुक लॉग इन नहीं है तो देन इट विल आस्क यू फॉर ई मेल एड्रेस एज वेल एज पासवर्ड ऑफ द फेसबुक एंड दैट्स हाउ यू विल लॉग इन ऑन विक्स डॉट कॉम जब आप मेन पेज पे आ गए हैं तो यहाँ आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉमेशन फिक्स प्रोवाइड अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा आ, इसके ऊपर यहाँ आपने जो वेबसाइट्स पहले क्रिएट की हैं आ, वो आ रही हैं अपग्रेड टू तो प्रीमियम का एक बटन आ रहा है ये वो वेबसाइट्स हैं कि जो मैंने अपने तौर के ऊपर एज एन एग्जाम्पल टाइम पास करने के लिए बनाई थी और जैसे जैसे आप भी डिफरेंट वेबसाइट्स बनाएंगे तो वो भी यहाँ पेयर हो रही होंगी अलॉन्ग विद दी एड्रेस कि जो उसका एड्रेस बाई डिफ़ॉल्ट विक्स उसको एलोकेट करता है अनटेनलेस कि आपने उसके साथ कोई डोमेन जो है आ, वो एसोसिएट की हुई हो अब वेबसाइट को बनाना तो हम अगले सेशन में सीखेंगे लेकिन यहाँ आप अगर राइट साइड टॉप के ऊपर देखें तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर नज़र आ रही होगी और बहुत ज़रूरी है कि यू क्लिक ऑन अकाउंट सेटिंग्स एंड यू सी के क्या कोई ऐसी सेटिंग है जो आपको यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है अगर आप विक्स लॉग इन हैं थ्रू योर गूगल अकाउंट वो भी बड़ा सिंपल है उनसे क्लिक ऑन दैट कॉन्टिन्यू विद गूगल बटन वो आपसे अपना जी अकाउंट मांगेगा और उसका पासवर्ड मांगेगा एंड सेम एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट वो आपको लॉग इन कर देगा विक्स के अंदर लेकिन अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जब आप लॉगिन होंगे तो आपने देखना है कि कोई ऐसी ऑप्शन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो मिसिंग है या उसको आपको चेंज करने की जरूरत है हो सकता है जब आप अकाउंट सेटिंग्स पे पहली दफ़ा क्लिक करें तो वो आपसे कहे कि यू नीड टू एंटर दी पासवर्ड इन ऑर्डर टू लॉग इन इन टू विक्स डॉट कॉम इवन तो आप ऑलरेडी इन है उसके वजह है कि विक्स डॉट कॉम अक्सर आपको सजेस्ट ये करता है कि आप अपना पासवर्ड डिफरेंट रखें तो आपका जी मेल अकाउंट का पासवर्ड है या आपके जो फेसबुक का पासवर्ड है उसके थ्रू तो। आप अकाउंट सेटिंग्स के इस पेज को थोरली देखें कोई ज़्यादा ऑप्शन या नहीं है लेकिन इसमें देखें कि आपने कोई चीज़ चेंज तो नहीं करनी क्योंकि अक्सर होता ही है कि आप इग्ज़ैम्पल के लिए या आप सीखने के लिए अकाउंट बनाते हैं और इवेंचुअली आप उसके ऊपर वेबसाइट बना लेते हैं और फिर चलते 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 वही आपका मेन अकाउंट बन जाता है और उसके ऊपर चूँकि इन्फॉर्मेशन आपने प्रॉपरली एंटर नहीं की हुई तो वो आगे जाके आपके लिए सरदर्द बन जाती है तो इस मेन पेज को अकाउंट सेटिंग के पेज को और दूसरी जो ऑप्शन हैं उसको अपने तौर पर सर्च कीजिए और देखिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको इन्फॉमेसन डालने की जरूरत है विक्स एक बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है और आगे चल के हम अगले सेशन में देखेंगे भी कि कैसे ऑन फ्यू क्लिक्स यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट